का मोदी ऐसे मोदियां बहुत आए बहुत चले गए। बड़े ठाकरे कहां के ठाकरे फाकरे आओ मैं तुम्हारे पास आया हूं हिम्मत है तो तुम मेरे पास आओ बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुरेश समानखे और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर एक मुद्दा लेकर आए और उसी मुद्दे पर लगातार तब तक डटे हैं जब तक कि इस पर कार्रवाई नहीं होती। हम आपके सामने आज लगातार दूसरे दिन ओवैसी के नंगा नाच का पार्ट टू लाए हैं और आज हम आपको कह रहे हैं कि क्या राजनीतिक दल जो कि किसी भी विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देने में माहिर है इस विषय पर क्यों नहीं बोलते और राजनीतिक दलों की यह चुप्पी हिंदुस्तान के समाज मन के साथ क्यों नहीं मेल खाती। आखिर ऐसा क्या कारण है कि किसी भी विषय पर प्रतिक्रिया देने वाले दल इस मुद्दे पर चुप है और इसलिए हिंदुस्तान के तमाम दलों को हम कह रहे हैं कि उनके चुप्पी के पीछे का राज क्या है और वो कब बोलेंगे। ओवैसी ऐसी क्या हरकत कर देगा जिसने ऑलरेडी सारी हदें पार कर दी है और क्या हद पार करने के बाद आप उसके खिलाफ बोलेंगे, इस विषय पर हम राजनीतिक दलों को तमाम दलों को सारे दलों को ये सवाल पूछ रहे और उनका जवाब इसी कार्यक्रम में अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो हिंदुस्तान उसको ये सवाल लगातार पूछता रहेगा। आज के इस मुद्दे में हम आपको दिखाएंगे कि ओवैसी उसकी पार्टी तमाम राजनीतिक दलों के खिलाफ बोलती है, इसके पास बोलने के लिए इतने विषय है लेकिन ये केवल मुसलमानों का विषय लेकर उस यूएसपी के आधार पर हर पार्टी के साथ कैसे बार्गेनिंग करता है और उस बार्गेनिंग के कारण ये पार्टियां चुप कैसी बैठती है, किस पार्टी का क्या फायदा है और किस पार्टी का चुप बैठने पीछे का क्या गणित है, यह भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन आज कॉलरों को ज्यादा बोलने का मौका देते हैं, सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करके आप अपनी बात को कहें, स्काइप पर कॉल करके आप अपने वीडियो मैसेज को भी दे सकते हैं लाइव में और व्हाट्सएप पर मैसेज रिकॉर्ड करके आप हमको भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर इस कार्यक्रम को लाइव देखते हुए भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और आपकी फेसबुक पर आने वाली प्रतिक्रिया भी हम यहां स्क्रॉल पर चलाएंगे। सारे प्रकार की आपकी अभिव्यक्ति हम तक जो भी पहुंचेगी हम विदाउट एडिट लोगों के सामने दिखाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान कम से कम बोल सकता है ये इस देश के राजनीतिक दलों को पता चले और इसलिए आपकी अभिव्यक्ति को ज्यादा समय देते हुए पहले कॉलर के पास चलते हैं, क्या बोलना चाहते हैं देखते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मैं आकाश चौधरी बोल रहा हूँ रुद्रपुर से। हाँ, ये मुद्दे के लिए तो आपके साहस की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है लेकिन एक बड़े अफसोस की बात यह है कि मैं पिछले 3 दिन से जो पत्रकार आपके समकक्ष जो और पत्रकार हैं और बड़े टेलीविजन चैनल और जो मतलब आते हैं मतलब घर पे उनको भी लिखा है, नसीहत भी दी है कि मैं चुप हो कम से कम जो है उनका साथ तो दो अगर तुम्हारे बस की लीडरशिप करनी नहीं है इस मुद्दे पर, लेकिन लाइक तक नहीं आते उन लोगों के। ये कैसा हिसाब किताब है, इतना डरपोक हो गए हैं कि पत्रकार ही वैसे हम जो है अपने स्तर से लगे हुए हैं, बहुत आदमियों को इसका मतलब जोड़ रहे हैं, टेलीविजन देखने के लिए भी कह रहे हैं और मगर भाई इसका कुछ करो। धन्यवाद, बस मेरी इतना ही। इसलिए राजनीतिक दलों की चुप्पी उनके राजनीतिक वोटों के स्वार्थ के लिए है लेकिन हिंदुस्तान हिंदुस्तानी देश का हित देखता है, इसलिए इसमें देश का अहित है। ओवैसी के इस नंगा नाच से समाज का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है, इसलिए हिंदुस्तानी चुप नहीं बैठेगा, वो बोलेगा, वो कुछ करेगा। वो क्या करता है खुद कॉल करके बता सकता है। हम आपको शुरुआत करते हैं, ओवैसी ने देश के तमाम राजनीतिक दलों के बारे में क्या क्या बोला है, आपको प्रमुख दलों के खिलाफ ये क्या बोलता है ये दिखाते हैं। शुरुआत मोदी के ऊपर बोले पुराने वीडियो से इसलिए करते हैं क्योंकि मोदी ने एटलीस्ट एक जवाब इसको ना बोलने से करके दिया है लेकिन उस वीडियो को देखते हैं कि उसमें ये किस हद तक बोल सकता है। देखिए, ऐसे मोदियां बहुत आए बहुत चले गए। आज लोग बोल रहे मोदी गुजरात जीत गया, वजीर आजम बन जाएगा, देखेंगे कैसा बनता है।
और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं। अरे मोदी है, मोदी है, कैका मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। इसने हैदराबाद आने के बारे में नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया था और दुनिया के इतिहास में पहली बार मोदी ने हैदराबाद में टिकट के ऊपर रैली की थी। लोगों ने 5 रुपए का टिकट खरीदकर मोदी के रैली में गए थे। स्टेडियम खचा खच भरा था। मोदी ने तो इसको अपने कर्तृत्व से, अपने कार्यशैली से जवाब दिया। ना मोदी इतने छोटे नेता के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए कोई मुंह खोले ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन भाजपा के बाकी नेता क्यों नहीं बोलते? भाजपा के नेता इसके विषय में चुप क्यों है? आंध्र प्रदेश के लिए उनके लिए राजनीतिक ऐसी क्या स्थिति है? देश के लिए अन्य क्या स्थिति है और अन्य दलों के लिए भी क्या है, इस पर भी जाएंगे, लेकिन कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी। सुरेश जी नमस्कार, हिमांशु बोल रहा हूँ अमेरिका से। मैं आपको थोड़ा इतिहास से परिचय वापस करवा दूं। गांधी ने जब 1919 में खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिमों की तरफदारी करने के लिए इस देश की निष्ठा को ताक पर रखा था, क्या उस समय इस देश का कोई नेतागण बोला था? कोई नहीं बोला था। बाबरी मस्जिद टूटी, राम का मंदिर जो कि सत्य था, इतिहास है, उसी को झुटलाता जा रहे हैं आज तक। वोट उसको टूटने में इतने लोगों ने नाटक किया, 1100 हिंदू संतों को मारा गया मुसलमानों के द्वारा, तब कोई बोला? कोई नहीं बोला। मनमोहन सिंह ने 2006 में बोला कि मुसलमानों का इस देश पे पहला हक है संसाधनों पे, कोई बोला? कोई नहीं बोला। इस देश में निष्ठाएं जो है बिक चुकी है, चरित्र जो है बिक चुका है। इस देश में कोई कुछ नहीं बोलेगा, नागों से विचार विमर्श करने की जगह उनको मार देना ही अच्छा है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलेंगे। इनको राजनैतिक मार देनी जरूरी है, इनको राजनैतिक दृष्टिकोण से इनका खात्मा करना जरूरी है और वो करने के लिए हिंदुस्तान तय करे तभी हो सकता है। अगले कॉलर, जय हिंद बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? सुरेश जी जय हिंद। जय हिंद। मुझे बड़ा फख्र हो रहा है कि आप इस टीवी चैनल पर अपने देश के प्रेम में डूबे इतने ओतप्रोत संदेश देते हैं और एक सचमुच में भारत में हिंदुस्तानी होने का गौरव हम लोगों को महसूस होता है जब आपसे, आपके चैनल से मुखातिब होते हैं। तो अभी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी आपने जो बीड़ा उठाया है, इसका कोई ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम बना करके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, चुनाव आयोग है या जो जो एनआईए वगैरह है या जो हमारे गवर्नमेंट लॉ मेकिंग अथॉरिटीज हैं, उनके सामने ये आप जैसे चैनल के माध्यम से पेश किया जाए और उनको बताया जाए। चैनल अभी देख रहे हैं लोग, पब्लिक को पता लग रहा है, लेकिन जैसे आपने कहा कि पब्लिक एफआईआर लॉन्च नहीं करवाती है, क्या करवाएंगे? मेरे से कहा जाएगा तो मैं भी करवाऊंगा, शायद मैं पहले अपने घरवालों से पूछूंगा, बात करूंगा, तो उतनी अवेयरनेस नहीं है। लेकिन हाँ, आपके कई अनुसार आगे आकर के मैं करवाना चाहता हूँ, लेकिन क्या मीडिया इसमें एक सकारात्मक रोल जो प्ले करना चाहता था कर सकता है? नहीं किया और आप कर रहे हैं, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है कि इसको आप फूल प्रूफ तरीके से अथॉरिटीज को बताए और उस पर कोई कार्रवाई? बिल्कुल, आपने जो कहा है ये मैंने कल बताया था, आज फिर बताता हूँ कि हम कल शुक्रवार, आज शनिवार और रविवार को 3 दिन बिंदास में इस मुद्दे को लेकर आएंगे, आ रहे हैं आपके सामने। हमने इसके वीडियो दिखाए हैं, यह हमने चुनाव आयोग को, देश के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इस कार्यक्रम को लाइव देखने के लिए कहा है, साथ में इसके YouTube लिंक को हम उनको भेज रहे हैं, और ऐसा फिर भी इतना करने के बावजूद इन अथॉरिटी ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली, तो सोमवार से हम चैनल पर दिन भर ऐसे अथॉरिटी के फोन नंबर चलाएंगे जिस पर आप दिन भर कॉल करके उनको पूछिए कि इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रही है। जो हम कर सकते हैं वो हम आउट ऑफ द वे जाके, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मीडिया की सीमा को लांघ कर जो कर सकते हो सब कुछ करेंगे, समय समय पर उसका खुलासा करेंगे। लेकिन अब तक की बात यह है कि सोमवार सवेरे तक अगर कुछ नहीं हुआ तो सोमवार से हम उन सारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के नंबर सुदर्शन के स्क्रीन पे चलाएंगे, सोशल मीडिया में चलाएंगे, उनको कार्रवाई के लिए हिंदुस्तान भर से कॉल जाए, जवाब पूछे। जब देश जवाब पूछ रहा है ऐसा उनको लगेगा तो निश्चित तौर पर आशा करते हैं कि कुछ होगा, फिर भी नहीं होगा तो उसका प्लान बी भी तैयार है, वो सोमवार के बाद बताएंगे। अगले कॉलर, जय हिंद। हाँ जी बोलिए। मैं क्या कहना है? मैं दिल्ली
दिलशाद गार्डन से सुशील टपलियाल बोल रहा हूँ। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे देवी देवताओं को इतना गाली गलौज देते हैं और हम इनका अगेंस्ट कुछ भी मतलब कठोर जवाब नहीं दे पाते हैं। इसने ओएसिस ने अभी तक ये बोला है कि हमारे देवी देवताओं को गालियां दी, गाली गलौज किया है और अपने आप को कहता है हम अल्लाह के बच्चे हैं। हमने तो इसको पहले ही करार कर दिया है कि ये सुअर का बच्चा, गधे का बच्चा, कुत्ते का बच्चा है। अब ये अपना अंदाजा लगा ले, सारे मुसलमान अंदाजा लगा लें कि ये किसके बच्चे हैं। ये यही कहना चाहता हूँ। और इनको सबके साथ इसको जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जब सबके साथ 25 करोड़ कहता है तो इसके साथ सब खड़े नहीं होते हैं। जो खड़े नहीं होना चाहते वो भी अपनी प्रतिक्रिया इसके खिलाफ जरूर दे। मुझे भी फोन करके या साइट पर या ऑफिस में भी कई लोगों ने फोन करके इसके 25 करोड़ से अपने आप को अलग किया है, लेकिन वो खुलकर आ गया है, वो हिंदुस्तान को बताए कि ये झूठ बोलता है, ये 25 करोड़ तो दूर, ये 2.5 करोड़ का भी प्रतिनिधि नहीं है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ, मैं सुदर्शन सिंह बोल रहा हूँ सर। हाँ, बोलते जाइए आप। हाँ, मैं सुदर्शन सिंह भुटान से बोल रहा हूँ सर। हाँ, बोलिए बोलिए। और जो ओवैसी जो है सर, इसमें जो जो कुत्तों जैसा भौंका है, जो पूरे हिंदुस्तान को इसमें हमारे हिंदुओं के खिलाफ, जो देवी देवताओं के खिलाफ बोला सर, तो इसको इसका इसको कहीं पुलिस के हैंडओवर नहीं कर सकते सर? धन्यवाद। पुलिस राज्य सरकारों के पास होती है, राज्य सरकारों की कुछ ऐसी पॉलिटिकल मजबूरियां आंध्र प्रदेश में है कि इसको हाथ नहीं लगाया जा सकता, लेकिन पिछले बार हमने लगातार इसके भाषण 10 दिनों तक दिखाए और आंध्र प्रदेश सरकार को मजबूर होकर इसको अरेस्ट करना पड़ा, लेकिन 20 दिन या थोड़े ही दिनों में इसको जमानत मिली और उसके बाद केवल 10,000 के जमानत पर इस देश के न्यायालय ने छोड़ा और उस न्यायालय ने आज इसको फिर भोंकने के लिए एक तरीके से अनुमति दी है, ऐसा मानकर देश भर में घूम रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव में इसने आग लगाई है, अब जम्मू कश्मीर और झारखंड में चुनाव है, उसके बाद देश में हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, वहां पर भी ये जाएगा और वहां के राजनीतिक फायदा देखते हुए वहां के दल इसके खिलाफ बोलने या चुप बैठने की पॉलिसी अपनाएंगे और ये बोलता रहेगा और ये बोलने का नुकसान हिंदुस्तान के समाज को होता रहेगा। अगले कॉल, जय हिंद। जय हिंद सर, मैं पंजाब फाजिलका से अनंतपुर बात कर रहा हूँ। हाँ सर, हमारी जो सिटी है यहाँ से थोड़ी ही किलोमीटर के पास बॉर्डर शुरू हो जाता है, पाकिस्तान आ जाता है। हाँ। जब यहाँ पे कोई जंग होती है तो यहाँ पे जब फौजें आती हैं तो बॉर्डर पार बैठे मुसलमानों से हमें डर नहीं लगता। हमें इस वक्त डर लग रहा है भारत में ही जो मुसलमान हैं, इनसे चिंता हो रही है ये कि इनके जो नेता हैं ये इनको किस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। जो सरकार है वो देख रही है कि ईसाई लोग हिंदू को धर्म परिवर्तित कर रहे हैं, मुसलमान धर्म हिंदू को परिवर्तित कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी आंखें मूंद कर बैठी है। तो कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि भारत में ही यही मुसलमान जो ऐसा देशद्रोही का काम कर रहे हैं यहीं पर कोई आईएस ना तैयार हो जाए। धन्यवाद। कुछ लोग इसके खिलाफ है, कुछ लोग इसके पक्ष में है, जो पक्ष में है उनके प्रति देश के मन में कितना बड़ा भय है इस कॉलर की बात से आप समझते हैं। भारत के टीवी चैनल ISI और बाकी देश के बाहर जो इस्लामिक आतंकवादी संगठन है उनको लेकर तमाम कार्यक्रम बनाते हैं और भारत में पेश करते हैं, लेकिन ओवैसी के खिलाफ एक चैनल भी क्यों नहीं बोलता? उनको कॉल करिए, उनके नंबरों पर बात करिए, उनको बताइए कि हम आपका चैनल सब्सक्रिप्शन करते हैं, हमारे घर में आता है, लेकिन आपका मौन हिंदुस्तान का नुकसान कराए और इसके खिलाफ आप कब बोलेंगे, क्या करने के बाद बोलेंगे, और नहीं बोले तो हम आपका चैनल क्यों देखें, यह भी सवाल करिए। अगले कॉलर, जय हिंद। गुरु बनारसी बोल रहा हूँ बंबई से। हाँ, मुझे ये बात कहना है ओवैसी के बारे में, जो ये लोग बोल रहे हैं इनकी तो बात अलग है, मैं ओवैसी तो बोल रहा है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं देश के नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ, देश के तमाम जनता से पूछना चाहता हूँ, मैं एक 4 लाइन में संदेश दे रहा हूँ देश के लोगों से पूछ रहा हूँ कि मेरी आवाज भी सुन लो, हंसी में मत इसे टालो, सपोले को पिला कर दूध मत अस्तीन में पालो, कभी पैदा न हो इस देश में फिर से कोई जिन्ना, उसे बिस्के बन करने से पहले ही कुचल डालो। वाह,
धन्यवाद। इस देश में ऐसे होंगे होनहार प्रतिभावान लोग हैं जिनके हवाले अगर ओएसी को कर दिया जाए तो इसके सारे प्रकार का बंदोबस्त हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं मानिए कि बिल्कुल कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। और वो क्या है तो एक संवैधानिक अधिकार है, अब इसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं। कल दिल्ली के एक जागृत नागरिक ने बिंदास बोल खत्म होते ही मेरे ट्विटर पर एक घंटे के अंदर अपना एफआईआर की कॉपी पेस्ट की और उन्होंने इसके खिलाफ एफआईआर किया है। देश के राजधानी से इसकी शुरुआत हुई है। हम चाहते हैं कि तमाम जगह पर जिन लोगों तक ये विषय पहुंच रहा है वो आगे आए। ऐसा करने से आपको कोई डर नहीं है, आपको किसी प्रकार की मदद चाहिए तो हम हाजिर है, वहां पर आने की जरूरत पड़ती है तो भी आएंगे, आपको सारे प्रकार की मदद करेंगे। लेकिन आपके अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को उपयोग में लाइए और इसका बंदोबस्त करने के लिए देश में जागृति फैलाइए। अगले कॉलर, जय हिंद। सर विवेक बोल रहा हूँ मैं समस्तीपुर बिहार से। हाँ सर, इसके लिए तीन ही वर्ड काफी है, नो एफआईआर, नो टॉक, नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। जय हिंद, धन्यवाद। हम आपको इसका और एक वीडियो दिखाते हैं कि पहले मैं आपको मोदी वाले वीडियो दिखा लेता हूँ, उसके बाद सारे दलों की दिखाऊंगा और एक एक दल का कारण भी बताऊंगा कि वो इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते। एक और वीडियो इसका महाराष्ट्र के रैलियों में, महाराष्ट्र के चुनाव में इसने दिए हुए भाषण के अंदर का वीडियो। नरेंद्र मोदी को वोट देने वालों, मेरा तुमसे सवाल है, मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी को वोट देने वालों से, क्या नरेंद्र मोदी हिस्टोरियन है? क्या नरेंद्र मोदी इकोनॉमिस्ट है? क्या नरेंद्र मोदी सोशियोलॉजिस्ट है? क्या नरेंद्र मोदी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है? क्या नरेंद्र मोदी बड़ा बिजनेसमैन है? नरेंद्र मोदी को महात्मा गांधी का नाम बराबर बोलना नहीं आया। तारीख हिंदुस्तान नहीं मालूम, क्या सलाहियत है? यही काबिलियत है, यही सलाहियत है कि इस शख्स ने गुजरात में बेकसूर हिंदुस्तानी मुसलमानों की इज्जतों को लुटाया, इस मतों को लुटाया, बस्तियों को जलाया, बच्चों को जेलों में डाला और मुसलमानों के खून से होली की। उसके अलावा इस शख्स के पास क्या है मैं पूछना चाहता हूं। कुछ नहीं है, इस शख्स के पास कुछ नहीं है तो मुस्तकबिल में भी कुछ नहीं था। जब देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा बोलता है, और ये गैर कानूनी इसलिए भी है कि राजनीतिक प्रचार में, पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार में धर्म के आधार पर ऐसा नाम नहीं लिया जा सकता। हम कल के बिंदास में इसके तकनीकी पहलुओं पर भी जाएंगे, लेकिन आज हम आपको पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से ये मोदी का नाम लेकर इस प्रकार से आग लगाने की कोशिश करता है, वहां के राज्य के भाजपा वाले क्यों नहीं बोले, वहां के नेता क्यों नहीं बोले, इसके पीछे के राजनीतिक कारण क्या है, चुप्पी का कारण क्या है, ये और दलों को भी पूछना है। लेकिन यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोलचाल। मोदी किधर का मोदी? ऐसे मोदियां बहुत आए, बहुत चले गए। बड़े ठाकरे कहां के ठाकरे भागरे, आओ मैं तुम्हारे पास आया हूं, हिम्मत है तो तुम मेरे पास आओ, बताता हूं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे बिंदास और बिंदास में हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर आए हैं, ओवैसी के भोकने के वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, और इन सारे वीडियो में आपके सामने अब तक हिंदुस्तान की प्रतिक्रिया भी आप देख चुके हैं। आप देख चुके हैं कि राजनीतिक दल चुप है लेकिन हिंदुस्तानी बोलता है, सुदर्शन पर फोन करके अपना नाम लेके बोलता है और अपना कहां से बोल रहा है यह भी बताता है, उसकी प्रतिक्रिया बताता है, उसके इरादा बताता है, उसका निषेध बताता है, और उसकी अभिव्यक्ति के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके पास आगे का वीडियो दिखाते हैं। महाराष्ट्र और बाला साहब ठाकरे का परिवार, इन दोनों का एक विशेष नाता है। ठाकरे जी के अंत यात्रा में इसका प्रदर्शन हुआ है,
बाला साहब ठाकरे के खिलाफ अगर कोई बोले तो शिवसेना वाला तो दूर, आम महाराष्ट्रियन भी उसका विरोध करता है, लेकिन ठाकरे परिवार के खिलाफ इतना अपशब्द बोलने वाले ओवैसी का शिवसेना ने विरोध क्यों नहीं किया, यह सवाल बनता है। एक बार वीडियो देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। अरे आंध्रा में आओ ना, बड़े ठाकरे कहां के ठाकरे भागरे आओ, बड़े ठाकरे कहां के ठाकरे भागरे आओ, बड़े ठाकरे कहां के ठाकरे भागरे आओ। मैं तुम्हारे पास आया हूँ, हिम्मत है तो तुम मेरे पास आ बताता हूँ, हिम्मत है तो तुम मेरे पास आ बताता हूँ, हिम्मत है तो तुम मेरे पास आ बताता हूँ। अगर मजलिस होगी ना, अगर मजलिस साहबान असेंबली में होती महाराष्ट्र की, तो किसी माँ के जने में हिम्मत नहीं है, किसी माँ के जने में हिम्मत नहीं है मुसलमान के खिलाफ आवाज उठाने की। ये मां का उल्लेख करता है, अपशब्दों से मां के जननी की बात बोलता है, यह ठाकरे फाकरे बोलता है और फिर भी शिवसेना बोलती नहीं, क्यों? बाला साहब ठाकरे गए, उसके बाद इस प्रकार से इसका आग उगालना क्यों जारी है? क्या इसके पीछे यह राजनीति तो नहीं है कि यह जितना मुसलमानों को इकट्ठा करेगा कांग्रेस को उसका नुकसान होगा, हिंदुओं के वोट हिंदू पार्टियों की तरफ आएंगे, शायद ऐसा हो भी सकता है, कुछ जगह हुआ भी होगा, इसका कांग्रेस को नुकसान और हिंदुत्व दलों को फायदा भी हुआ होगा, लेकिन उन दलों ने यह सोचना चाहिए कि इसका हिंदुस्तान को नुकसान होता है। हम इतिहास की गलती को दोहरा रहे हैं, इस देश में पहले भी जब आक्रमणकारी आए तो हमारे अंदर के भेदों को जानकर उन्होंने एक को पकड़ा दूसरे को मारा, फिर जिसको पकड़ा और जिसको मारा उस मारने वाले को पकड़ा फिर दूसरे को मारा, एक एक करके सबको गुलाम बनाया। 1200 साल गुलामी में रहने के बावजूद भी हिंदुस्तानी दल, हिंदुस्तानी राजनीतिक नेता इससे सीख क्यों नहीं ले रहे? इसके भोकने से किसी हिंदुत्ववादी दल को एकाध दो चुनाव में फायदा भी हो सकता है, लेकिन उस फायदे के कारण आप एक नासूर को जन्म दे रहे हैं। इस ऐतिहासिक गलती के लिए आने वाला भविष्य ऐसे दल को, ऐसे नेता को कभी माफ नहीं करेगा जो इस समय चुप बैठेगा, जो अपने चुप्पी से इसको मदद करेगा। मुझे तो कुछ ऐसे पत्रकारों ने जानकारी भेजी है इस कार्यक्रम को शुरू करने के बाद, कुछ प्राइवेट में ऐसे लोग बता रहे हैं कि कई हिंदुत्ववादी दलों के लोगों ने इसके उम्मीदवारों को पैसे दिए, इसलिए दिए क्योंकि ये वहां पर कांग्रेस के या मुस्लिम वोट जिस पार्टी के पास जा सकते थे, ऐसे पार्टियों को इसके मुसलमानों के वोट ना जाए और इस वोट को खा ले, इसके ऊपर ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींच सके। उस खींचातान में इसके दो सीट चुनकर आए, एक औरंगाबाद में और एक मुंबई में, लेकिन ये सब कुछ होते होते ये महाराष्ट्र में घुस गया, उस महाराष्ट्र में जहां पर करीब करीब सारे राजनीतिक दलों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ अपने अतीत को जोड़ते हुए छत्रपति का महाराष्ट्र कहते हुए नारा लगाया था, भगवे की बात की थी, मराठी की बात की थी, महाराष्ट्र की बात की थी, ये बातें करने वाले कोई भी दल ने इसके खिलाफ मुंह नहीं खोला, इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा। अगले खोला, जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। विवेक बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैं आपके माध्यम से सरकारी एजेंसियों को कहना चाहता हूँ कि आप ओएसी के अगेंस्ट जांच कीजिए कि कहीं उन्हें आईएसआईएस से कहीं फंडिंग तो नहीं हो रही है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, धन्यवाद। इस विषय की भी जांच होनी चाहिए क्योंकि देश को बांटने वाली ताकतों को, बाहर से समर्थन देने वाले, फ्यूल देने वाले, ताकत देने वाले तमाम देश आसपास से लेके दुनिया भर में फैले हुए हैं, वो हिंदुस्तान का अहित चाहते हैं, इसलिए इस देश से अलग होकर निकलने वाले 13 ऐसे मोमेंट इस देश में चल रहे हैं जो इस देश में एक अलग राज्य नहीं बल्कि अलग राष्ट्र मांगते हैं, और उनको फंडिंग बाहर से आती है, उनको ऐसे राजनीतिक दल कवर करते हैं, कवर देते हैं, मीडिया हाउसेस सपोर्ट करते हैं, प्रॉक्सी सपोर्ट करते हैं, ऐसे दलों को जरूर ढूंढ कर निकालना चाहिए। अगले कॉलर, जय हिंद। मैं हैदराबाद से हैदराबाद कर रहा हूँ।
साहब के ऊपर अटैक हुआ हैदराबाद में, तो समय पहले एक पंडित जी ने 200 किलोमीटर पैदल चढ़कर आके उनके लिए दुआ दी और आशीर्वाद दी। और आपको मैं बताना चाहता हूँ साहब कि प्रवीण टुगाड़िया जैसे लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों को घर मत बेचो, उनको जुलूम और ज्यादा करके उनको बाहर दो, बाहर रखा लो, तो उनके लिए फिर कौन बात करेगा, कौन करेगा बताइए। ऐसे जो भी गलत बात करेगा उसके खिलाफ बात होनी चाहिए, लेकिन बात राजनीतिक दल से हमने शुरू की है, चुनाव प्रचार के दौरान से कानूनी तरीके से शुरू की है, और इसलिए ओवैसी का विषय खत्म करते हैं, उसके बाद बाकी विषयों को देखेंगे। आज ओवैसी की बात हो रही है, इस विषय पर आपका क्या कहना है जरूर बताइए। अगले कॉलर, जय हिंद। हाँ सर, मेरा कहना ये कि आप ओवैसी के खिलाफ तो दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी प्रवीण भाई तोगड़िया या कभी विनय कटियार के खिलाफ एक प्रोग्राम बना के दिखाइए। बिल्कुल, देश को तोड़ने की अगर कोई बात करता है तो दिखाएंगे, लेकिन वो बात करते हैं वास्तव है या बढ़ा चढ़ा कर है, इसको जांच परखे करेंगे हम। ओवैसी के खिलाफ उसके एक एक शब्दों की ट्रांसक्रिप्ट बनाकर उसका कानूनी पूरी जांच करके फिर आपके सामने खड़े हैं, और इसके इरादे देश के हित में नहीं लगते, इसलिए बात करें। अगले कॉलर, जय हिंद। हाँ जी, मैं आपका प्रोग्राम बहुत गौर से सुन रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, और मेरा नाम इजाज शेख है, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। लेकिन सर, मेरा एक सजेशन आपसे ये था कि आप जिस तरह से ओवैसी के बारे में आप प्रोग्राम को चला रहे हैं वो अप टू सम एक्सटेंट सही है, किसी के सेंटिमेंट हर्ट ना होने चाहिए, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल पॉलिटिकल लीडर्स को। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब, आपने अच्छी बात कही कि ये सेंटिमेंट हर्ट करता है और इसके सेंटिमेंट हर्ट करने को विरोध होना चाहिए। हमारे इस मुहिम को ऐसे मुस्लिम भाई भी समर्थन दे रहे हैं, स्काइप पर पुणे से कॉल करके इस भाई ने समर्थन दिया। आप देख रहे हैं, आप भी अपनी बात रख सकते हैं, हम यहाँ पर धर्म के बजाय देश की बात कर रहे हैं, हम अखंड समाज की बात कर रहे हैं, हम एकता की बात कर रहे हैं, हम सब मिलकर हिंदुस्तानी होने का एहसास दिलाने की बात कर रहे हैं। अगले कॉल, जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। हेलो भाई कल्ला, मुंबई से बोल रहा हूँ, समीर। हाँ। मेरा ये सवाल है, हाँ। आप अकबरुद्दीन ओवैसी बोलता है, आप बोलते हो इतना क्यों बोलता है? अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलता है आप लोग बोलते हो इतना क्यों बोलता है? जब आप लोग के नेता बोलते हैं तो आप लोग उसके बारे में क्यों नहीं बताते हो? डबल आप लोग के नेता, हमारा कोई नेता नहीं है, हमारा तो हम खुद नेता है और हम अपने मालिक है, हमें किसी से जोड़ने की जरूरत नहीं। जो देश के हित के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ हम जरूर बात करेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं, जय हिंद। मेरे विचार से ओबीसी का ये मतलब है कि समाज में, राज्य में और देश में जो कमजोर तबके को का व्यक्ति है उसे ही हम ओबीसी कहते हैं। दूसरा नंबर मेरा बात यह है कि मैं देश के नेता से पूछना चाहता हूँ कि जो इस तबके का व्यक्ति है वो इस तरह भारत और भारत की राजनीतिक दलों की इज्जत को तार तार कर रहा है और सरकार और विपक्ष चुप क्यों है, देश जानना चाहता है। कुछ गुंडे का राज देश में, देश के अंदर है। मैं निर्वाचन आयोग से भी कुछ पूछ रहा हूँ कि ऐसे लोगों को किस आधार पर चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जा रहा है सरकार और विपक्ष से। बिल्कुल आपने सही कहा है, यही मुद्दा है और इसी मुद्दे के आधार पर हम हिंदुस्तान वासियों को अपील कर रहे हैं। आज कुछ और भी इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन और कई जगह पर ऐसी खबरें भी आई है, उसमें से दिल्ली में अभी अभी एक प्रदर्शन हुआ है जिसका विजुअल हम आपके सामने दिखाते हैं। ये ओवैसी के खिलाफ दिल्ली के युवा सड़क पर आए हैं, उन्होंने उसके खिलाफ नारे लगाए हैं और वो इसकी देशद्रोही हरकतों के खिलाफ अपनी बात को रख रहे हैं। ओवैसी को जेल में डालो। ये देश भर से और भी कई प्रतिक्रिया आई है, लेकिन हम वो सारी प्रतिक्रिया आपको दिन भर अन्य अन्य कार्यक्रमों में दिखाते रहेंगे। हम आपके सामने मुद्दों से
मुद्दे पर बात करते हैं, तर्कों पर बात करते हैं, उसके विषयों को लेकर बात करते हैं। ये दिल्ली में हो रहा प्रदर्शन देश के अन्य हिस्सों में भी फैल रहा है। देश के कई हिस्सों से हम तक खबरें आई है, जानकारी आई है, मैसेज आए हैं, फेसबुक पर लोगों ने लिखा है। हम कहेंगे कि अगर आप भी इसके खिलाफ अपना लोकतांत्रिक अधिकार उपयोग में लाते हुए अगर विरोध करते हैं तो आपने विजुअल हम तक भेजिए, हम आपके विजुअल को अपने चैनल पर दिखाएंगे, लोगों के सामने प्रतिक्रिया देंगे और हिंदुस्तान इसके खिलाफ क्या बोलता है वो भी दिखाएंगे। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए क्या Hello. कहना है आपको। हेलो, हाँ जी सर, ये जो सर ओबीसी के बारे में दिखाया जा रहा है ये अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही खतरा है, ऐसे आदमी को जरूर जेल में डालना चाहिए। धन्यवाद। ऐसा नहीं कि ये केवल भाजपा शिवसेना के खिलाफ बोलता है, हम आपको दिखाते हैं कि इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री जिनको इस ग्लोबलाइजेशन के युग में भारत को जोड़ने के लिए क्रेडिट दिया जाता है उस व्यक्ति के बारे में ये क्या बोलता है। ये प्रधानमंत्री कांग्रेस के हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रधानमंत्री होने के बावजूद कांग्रेस का कोई नेता इनके खिलाफ नहीं बोलता। नरसिम्हा राव के खिलाफ ये क्या शब्दों का उपयोग करता है देखिए। उस वक्त का वजीर आजम जो नाम के लिए कांग्रेस का वजीर आजम था, लेकिन दर हकीकत अपनी धोती में आरएसएस की साकी चड्डी पहनने वाला वजीर आजम था नरसिम्हा राव, जो बाबरी मस्जिद को शहीद होता हुआ एक तमाशबीन की तरह देखता रहा, तमाशाई बनकर देखता रहा। ये क्यों ऐसा होता है नरसिम्हा राव के खिलाफ इसका बोलने का, और इसके बोलने के बावजूद क्यों कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ नहीं बोलती, इसका कारण इस फोटो में है। इसको देखिए, यह कारण है कि राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी जो है इसके बीच दोस्ती है। असदुद्दीन ओवैसी राहुल गांधी के साथ बैठे हुए तमाम फोटो आपको दिखेंगे इंटरनेट पर, आपको दिखेंगे विभिन्न जगह पर। इसके दादा ने जब हैदराबाद को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की बात की थी तब सरदार पटेल ने वहां पर सेना भेजी थी, तब नेहरू इस मुद्दे को तुरंत सुलझाना नहीं चाहते थे, कश्मीर की तरह या हैदराबाद के मुद्दे को भी लेके जाना चाहते थे संयुक्त राष्ट्र में। ये शायद इसके दादा या पिता है जो इंदिरा गांधी के साथ बैठे हैं, नेहरू घराने के साथ इनके संबंध है, जिस कारण ये कई जगह पर कांग्रेस का समर्थन लेते हैं और कई जगह कांग्रेस का समर्थन देते हैं। गांधी परिवार छोड़ के कांग्रेस के किसी भी नेता पर किया गया अटैक कभी भी इसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है। हम आपको दोबारा दिखाते हैं कि नरसिम्हा राव के खिलाफ ये क्या बोलता है और उसके बावजूद भी कांग्रेस क्यों चुप है। वीडियो दोबारा दिखाते हैं। उस वक्त का वजीर आजम जो नाम के लिए कांग्रेस का वजीर आजम था, लेकिन दर हकीकत अपनी धोती में आरएसएस की साकी चड्डी पहनने वाला वजीर आजम था नरसिम्हा राव, जो बाबरी मस्जिद को शहीद होता हुआ एक तमाशबीन की तरह देखता रहा, तमाशाई बनकर देखता रहा। यह हम आपके सामने तमाम और भी राजनीतिक दलों के वीडियो दिखाएंगे, उनके खिलाफ भी यह क्या बोलता है, उनका क्या कैलकुलेशन है, भारत के राजनीतिक दलों की सोच कितनी दिवालिया हो चुकी है जो राष्ट्रहित को नजरअंदाज करते हुए चंद होटों के कैलकुलेशन को देखती है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोलचाल। मोदी किधर का मोदी, ऐसे मोदियां बहुत आए बहुत चले गए। बड़े ठाकरे कहां के ठाकरे फाकरे, आओ मैं तुम्हारे पास आया हूं, हिम्मत है तो तुम मेरे पास आओ बताता हूं।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने लगातार इस मुद्दे पर लोगों की प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। लोग क्या बोल रहे हैं आप देख रहे हैं, किस प्रकार से इसके खिलाफ समस्त हिंदुस्तान वासियों में गुस्सा है, किस प्रकार से इस गुस्से का इजहार लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर हमें कॉल करके और अपनी बात को रखे कर रहे, हम आपको दिखा रहे हैं। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे और राजनीतिक दलों के बारे में ये क्या बोलता है ये दिखाएंगे। आज का बिंदास बोल राजनीतिक दलों पर, इसके कमेंट को लेकर ही हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि राजनीतिक दल इसके खिलाफ नहीं बोलते। इस राज को खोलकर उन दलों के इरादे और उनके स्वार्थ को उद्ध्वस्त करना जरूरी है, इसलिए आज का ये एपिसोड है। कल हम और कुछ मुद्दों को दिखाएंगे, परसों और कुछ मुद्दों को दिखाएंगे, ऐसे तमाम मुद्दे आपके सामने लेकर आएंगे। और भी लोग हैं जो देशद्रोह की बातें करते हैं, उनको भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी आगे देखेंगे। लेकिन आज बात ओवैसी की हो रही है, इसलिए ओवैसी पर आपका क्या कहना है कॉल कर बता सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हैदराबाद से बोल रहे हैं हसन अली। बोलिए सुरेश जी, आपने जो प्रोग्राम उठाया निश्चित तौर पर ये देशवासियों के लिए, कम से कम मुसलमानों के लिए फायदे का आंख खोलने वाला है। देखिए, इसका इस मुहिम से इसका तो फायदा होने वाला है। ये जो ओवैसी है ये अपना भड़काऊ भाषण दे के मुस्लिम भाइयों को अलग कर देता है। मेरी सभी मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है, जो हम हिंदुस्तान में पले हैं, बड़े हैं, पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं, इसकी इन गैरतमंद बातों में ना आए। ये अपना फायदा करेगा, नुकसान हमारा होगा। 100 करोड़ हमारे भाइयों को, हिंदू भाइयों को ये कमबख्त हमारा दुश्मन बनाएगा। बस मेरा ये गुजारिश मुस्लिम भाइयों से है कि इसकी बातों में ना आए। बिल्कुल, और हम तो इसको धर्म के आधार पर लेके जाने के बजाय देश के आधार पर लेके जा रहे हैं। तमाम मुस्लिम भाइयों ने मुझे भी फोन करके, या मेरे फेसबुक अकाउंट पर भी आप देख सकते हैं, चैनल के पेज पर देख सकते हैं, अपनी बात को कहा है। ये अपने स्वार्थ के लिए 25 करोड़ का नेता होने का दावा करके 25 करोड़ वर्चस्व 100 करोड़ को भिड़ाने की बात करता है, और उस बाद में कुछ युवक, कुछ सरफिरे या कुछ बेचारे अनजान इमोशनली आ जाते हैं और इसका उसमें राजनीतिक फायदा होता है। कुछ इसके इस अपने स्वार्थ के साथ अपना फायदा देखने वाले दूसरे धर्मों की भी है। मैंने आपको नाम लेके कहा है कि हिंदुत्ववादी दल भी इसके बोलने के पीछे कम गुनाहगार नहीं है, और इसलिए किसी एक धर्म के खिलाफ बोल रहा हूं और एक धर्म के फेवर में बोल रहा हूं ऐसा मत समझिए। हम देश के लिए बोल रहे हैं, और देश का नुकसान करने वाले बोलकर या चुप बैठकर किसी भी प्रकार से नुकसान करने वालों के खिलाफ बोलेंगे, किसी भी कीमत पर बोलेंगे। आप भी देश को सामने रखकर बोलिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर। क्या कहना है आपको सर? सर, जो जो ये खाकरे वाकरे बोल रहा है, ये बहुत उत्तेजित भाषा में बोल रहा है, और हिंदू होने के बाद में हम ये खाकरे वाकरे लैंग्वेज नहीं सुनेंगे, हम इनको काट देंगे फिर देंगे। लेकिन ये खाकरे वाकरे क्यों बोला है? ये अंबरदास जी करेंगे, दिल्ली से बोलो सर। ये तो आप बोल रहे हैं, लेकिन ठाकरे परिवार से और शिवसेना से कोई नेता क्यों नहीं बोला, ये भी पूछे। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ हाँ जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद। हेलो। बोलिए बोलिए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये ओवैसी जो है हमारे देश के अंदर, जो इस तरीके से इन्होंने जो फैला रखा है, जातिवाद धर्मवाद जो फैला रखा है इस देश में, सर जितने भी हमारे देश के अंदर लीडर हैं, जो भी हैं, मैं खाली ओवैसी को नहीं कह रहा हूँ, चाहे वो प्रवीण तोगड़िया हो, राजनाथ सिंह जी हो, मोदी जी हो, कोई भी XYZ, जो भी हमारे देश को बांटने की कोशिश कर रहा है, जो भी हमारे देश में जातिवाद या धर्मवाद फैलाना चाह रहा है, सर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मेरे पास में एक प्रवीण तोगड़िया जी की वीडियो है, उसको चाहे तो आपको मैं व्हाट्सएप कर दूं। जरूर भेजिए, हम स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नंबर चला रहे, उस पर आप देश में किसी भी का कोई भी प्रकार की जानकारी भेज सकते हैं। आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर ही जानकारी भेजिए। आज हम बात ओवैसी की कर रहे, इस पर बात करते हैं। देखते हैं ये अन्य दलों में एक और आंध्र प्रदेश का दल, अपने आप को ताकतवर समझने वाला, सारे प्रकार से ताकतवर समझने वाला जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ ये क्या बोलता है? जिस जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ मुंह खोलने से पहले आंध्र प्रदेश में और खास करके हैदराबाद में लोग 10 बार सोचते हैं, उसके खिलाफ ये धमकी देके बोलता है, लेकिन जगनमोहन रेड्डी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती? देखिए। वाईएस राजशेखर रेड्डी शरीफ आदमी था, अच्छा आदमी था,
मुसलमानों का हमदर्द था, लेकिन मुझे हैरत होती है कि ऐसे बाप का ऐसा बेटा कैसा है जो बीजेपी से हाथ मिलाना चाहता है। मैं जगन मोहन रेड्डी साहब से कहूंगा, मशवरा है और वार्निंग भी समझ लो, अगर मुसलमानों के वोटों को लेकर मोदी के साथ जाके हाथ मिलाएंगे तो याद रख लो, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू का हमने पीछा किया है, 9 बरस उसको इख्तदार से दूर रखा है, तुमको भी जिंदगी भर इख्तदार से दूर रखेंगे। इसका मतलब आप सीधे सीधे एक धर्म का एजेंडा लेकर चल रहे हैं और ये कभी भी कानूनी नहीं है, नैतिक नहीं है, लेकिन ऐसा होते हुए भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं है और वो कार्रवाई सरकार नहीं करती, राजनीतिक दल नहीं करते, इसलिए हिंदुस्तानी करे ये हम, ये कहकर आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। संतोष कुमार हावड़ा से बोल रहे हैं, बोलिए। भारत जब स्वतंत्र हो रहा था तो कुछ नमक हराम और गद्दार जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय में तटस्थ थे खड़े हो गए कि अरे ये तो अब आजादी मिलने वाली है और भारत आजाद होने वाला है। तब उस समय 1927 में हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली पाशा ने MIM का निर्माण किया। 26 दिसंबर 1943 में इंडियन मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक बैठक बुलाई। उस समय MIM का अध्यक्ष था कासिम रजमी। यह बैठक अलग पाकिस्तान बनाने के लिए बुलाई गई थी। उसमें MIM के अध्यक्ष ने पूर्व पश्चिम और दक्षिण पाकिस्तान बनाने की मांग की थी। यह दक्षिण पाकिस्तान का स्वरूप कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ भाग और हैदराबाद को मिला जुला कर बनाया गया था। और 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो यहाँ के MIM वाले उस समय मिठाई बांट रहे थे। इस कासिम रजमी के पास उस समय 1.5 लाख अपनी सेना थी और निजाम और कासिम ने दोनों ने मिलकर हिंदुओं का कत्लेआम किया, बलात्कार किया और गांव घरों को लूटा। ऐसे समय में स्वामी रमानंद ने निजाम और इस MIM के लीडरों को ललकारा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। 14 दिसंबर 1948 में घोषणा की गई कि एक साथ जुम्मे की नमाज अदा करनी है और एक साथ हिंदुओं का कत्लेआम करना है, न रहेगा हिंदू तो कहां से बनेगा हिंदुस्तान। मगर इनके बाद इनके बाप के भी बाप निकले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अकबरुद्दीन से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या भूल गए कैसे निजाम ने घुटने के बल झुककर अपने रुमाल को सरदार पटेल के चरणों में रख दिया था और हैदराबाद के भारत के विलय में होने के बाद कासिम रजमी ने को जेल में ठूस दिया गया था। 1956 तक MIM बैन था और यह कासिम रजमी जो है उसने गिड़गिड़ा कर भारत सरकार से वहां कहा कि मुझे माफ कर दीजिए और पाकिस्तान जाने दीजिए, और भारत सरकार ने 48 घंटे के अंदर इसे देश को छोड़कर भाग जाने का आदेश दिया। जाते जाते समय इस हरामखोर ने, इस नमक हराम ने ओएसओ के परदादा को MIM को सौंप दिया। और भारत सरकार को चाहिए कि इसके संबंध आतंकवादियों से है कि नहीं उसकी जांच करे। और ये जो 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, और ये सब बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसके जाने के बाद MIM के बीच का हमें पता नहीं चल पाए, MIM की बीच का हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि हम यह सब न जाने, इसलिए इसको पहचानिए। यह राष्ट्र विरोधी नमक हराम फिर से इस देश को नमक खा के गद्दारी कर रहा है, हमारी जमीन पर खड़ा होके हमें ललकार रहा है। भारत माता की जय। धन्यवाद। को हमेशा कहता हूं कि ये बिंदास बोल की ताकत है। मैं बिंदास बोल में किसी नेता को नहीं बुलाता, किसी राजनीतिक दल वाले को नहीं बुलाता, जो अपने दल के हित के ही बात करेगा, जिसके ऊपर एक कंपल्शन है, ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाता। एक आम हिंदुस्तानी था। ये सब जानकारी इंटरनेट से, इधर उधर से, इतिहास से कलेक्ट करके इसने आपके सामने दी है। इसके गुस्से में कुछ अपशब्द भी हो सकते हैं, लेकिन ये ओवैसी के नंगा नाच के कारण उपजी हुई प्रतिक्रिया है। और इसने कितनी जानकारी दी, ये जानकर एक हिंदुस्तानी एक टीवी चैनल पर कॉल करके देख सकता है, तो इस देश के तमाम मीडिया चैनल क्यों नहीं दे सकते, इस देश के राजनीतिक दल क्यों नहीं दे सकते, इस देश के समाज सेवी क्यों नहीं दे सकते, अपने आप को धर्म रक्षक कहने वाले क्यों नहीं दे सकते। इसके जहर उगलने के कारण फायदा देखने वाले दूसरे धर्मों के, अन्य सारे धर्मों के लोगों को भी चुप रहना, इतिहास माफ नहीं करेगा। अगले कॉलर। जय हिंद। जी सर, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हाँ।
सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे धार्मिक संस्कृति के बारे में इस तरह की बातें करते हैं अकबरुद्दीन अवैसी और असादुद्दीन अवैसी, सरकार इसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेती? और हैदराबाद से मैं बात करूँ, यहाँ के एक राजा भैया एमएलए हैं, वो जो इनके विरुद्ध कुछ बोलते हैं तो पुलिस इन्हीं के खिलाफ एक्शन लेके उन्हीं को जेल में डाल देते हैं। इस तरह का जो बिहेवियर हो रहा है इनके साथ में और देश के बारे में जो राजनीतिक इस तरह की बयानबाजी करते हैं, इनके खिलाफ सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही? जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? कलर को कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखें। जय हिंद। मैं कैलाश राणा हिमाचल प्रदेश नालागढ़ से बोल रहा हूँ जी। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है कि ठीक है आप ओबीसी के बारे में ये प्रोग्राम दे रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं क्योंकि कोई चैनल नहीं दे रहा इसको, लेकिन आप प्लीज एक चीज सोचिए कि जो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठता है वो क्या सेकुलर हो जाता है हमेशा? हमारे मोदी जी बोलते हैं कि कोई मुसलमान मेरे देश का जो है वो देशद्रोही नहीं हो सकता, और हमारे राष्ट्रपति जी बाहर जाके बोलते हैं हमारे देश का कोई मुसलमान देशद्रोही नहीं हो सकता। फिर ये जब इस प्रकार की इनको शह मिलती रहेगी तो ये क्यों नहीं बोलेंगे ऐसी बकवास? ये बकवास है। धन्यवाद, आपने जो बात कही इसका एक ही उपाय है, वो इस्लाम धर्म में जो बाकी लोग हैं, समाज के दो नेता है, जो धार्मिक नेता है, वो ऐसे व्यक्ति से अपने आप को दूर करे, वो बताए कि ये हमारा नहीं है और ना हम इसके हैं, और इसको इससे नाता तोड़ने वाले लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा बढ़ावा ही इसको आइसोलेटेड करने का तरीका हो सकता है। हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से किसके खिलाफ क्या बोलता है, ये सब कुछ बोलते हुए भी लोग चुप बैठते हैं। अगला वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि ये असेंबली के अंदर जो कि एक राज्य की प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, इस संस्था का प्रतिनिधित्व धर्म के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। किसी भी दल में होने के बावजूद ये अन्य सारे दलों को, जिस राज्य से आता है उस राज्य में 5 बड़े दल हैं और कई इंडिपेंडेंट लोग भी हैं, इन सारे मिलके जो वहां पर 288 के आसपास जो संख्या है, उस संख्या में ये अपने 9 लोगों को मुसलमान और बाकी सबको मुसलमानों के विरोधक के तौर पर कैसे दिखाता है, वीडियो में दिखे। असेंबली में खड़े होते हैं ना, 294 है, 294 पूरे एमएलए हैं, उसमें से सिर्फ 7 मुसलमान हैं, शेरवानी वाले सिर्फ 7 हैं, लेकिन देखो 290 पे भारी है ये। इस वास्ते कहते एक मियां भाई 10 पे भारी है। तो बाकी राजनीतिक दल इसका जवाब क्यों नहीं देते? इसमें कांग्रेस के भी एमएलए हैं, इसमें सारे दलों के एमएलए हैं, उन दलों के एमएलए भले अपने आप को सेक्युलर कहते हो, हिंदू धर्म से अपना नाता तोड़ते हो, लेकिन ये उनको हिंदू धर्म के साथ जोड़ता है और अपने राजनीतिक रोटी सेकने की बात करता है। इसने मोदी के खिलाफ भी बहुत अपशब्द बोले। कार्यक्रम के आखिर में हम मोदी के खिलाफ इसने एक ऐसे बात को बोला है जिसके बाद इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई होने के लिए वीडियो दिखाना अनिवार्य है, दिखाते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये आंध्रा के मुसलमान सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को पैगाम देता है कि अगर आंध्रा के मुसलमानों की तरह 25 करोड़ मुसलमान अगर मुनज्जम हो जाएगा, मुत्तहिद हो जाएगा, तो खुदा की कसम बहुत जल्द हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये आंध्रा के मुसलमान सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को पैगाम देता है कि अगर आंध्रा के मुसलमानों की तरह 25 करोड़ मुसलमान अगर मुनज्जम हो जाएगा, मुत्तहिद हो जाएगा, तो खुदा की कसम बहुत जल्द मोदी तख्ते पर लटकता हुआ हमको दिखाई देगा। ये हिंदुस्तान के कानून की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी को क्लीन चिट दी है। ये तो बात उस जमात की कर रहा है, ये तो बात उस कानून की कर रहा है जो ISI या ISIS संस्थाएं आपने यहां पर न्यायालय के निर्णय को दूर करके अपने निर्णय को, अपने ठोकशाही को और अपने हुकूमत के आधार पर निर्णय कर दिए कि दोषी है। इसको इस देश में ISIS के कानून पर भरोसा है, हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय पर नहीं, इसलिए इतना सब कुछ होने के बावजूद ये मोदी के खिलाफ ये बात बोलता है। मैं कार्यक्रम का अंत ये कहते हुए कहूंगा
कि देश के खिलाफ बोलने वाला ओवैसी जितना जिम्मेवार है, उतने ही ओवैसी के खिलाफ बोलने की शक्ति होने के बावजूद, बोलने का कर्तव्य होने के बावजूद, बोलने के अधिकार होने के बावजूद जो नहीं बोलते और चुप बैठते हैं, वो भी उतने ही जिम्मेवार है। मैं वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उसको भी उतना ही जिम्मेवार मानता हूं। और आज के इस बिंदास बोल के द्वारा उन लोगों को भी बोलने का आह्वान करता हूं जो चुप बैठे हैं, जो मौन बैठे हैं, उनका मौन उनको भविष्य में कभी भी माफ नहीं करेगा। आज के लिए इतना है, जय हिंद। कैका मोदी, किधर का मोदी? ऐसे मोदियां बहुत आए बहुत चले गए। बड़े ठाकरे कहां के ठाकरे फाकरे, आओ मैं तुम्हारे पास आया हूं, हिम्मत है तो तुम मेरे पास आओ, बताता हूं।